खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एवं संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा विशाल वंदे मातरम तिरंगा यात्रा वाहन रैली निकाली गई। विधानसभा क्षेत्र के नेमावर से दोपहिया वाहन तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मां नर्मदा के तट पर स्थित भगवान सिद्धेश्वर की पूजा अर्चना के साथ हुआ। यात्रा में चल रहे दोपहिया वाहनों पर सवार तिरंगा लगाए हुए युवा भारत की जय जयकार लगाते हुए चल रहे थे। तिरंगा यात्रा में डीजे वाहनों पर देशभक्ति के तराने बजते हुए साथ साथ चल रहे थे। तिरंगा वाहन यात्रा का नेमावर से लेकर कन्नौज के मध्य कई स्थानों पर कांग्रेसजनों और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर शानदार स्वागत किया गया। नगर के बस स्टैंड पर यात्रा के आगमन के बाद सबसे पहले कांग्रेस नेताओं द्वारा मां भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेसी नेताओं द्वारा उद्बोधन दिया गया। तत्पश्चात नगर के मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए तिरंगा वाहन यात्रा का आस्था रोड पर स्थित साई पैलेस पर जाकर समापन हुआ। यात्रा में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस सदस्य गौतम बंटू गुर्जर, पूर्व विधानसभा उम्मीदवार ओम पटेल, प्रदेश महिला कांग्रेस महामंत्री राजकुमारी कुंडल, मनोज होलानी, कन्नौज जनपद उपाध्यक्ष रमजान खान, प्रदेश कांग्रेस सचिव अक्रम खान, जितेन जाट, मुकेश पटेल, राजवीर कुड़िया, शंकर लाल वर्मा, मुकेश जैन, रोहित तिवारी, तेजस्वी मांजरेकर, बाबू पटेल, राजेश पारासर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसगण उपस्थित थे। कहाँ से शुभारंभ में कहाँ समापन? हर साल की तरह इस साल भी युवा कांग्रेस के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा खातेगांव के लिए निकाली जा रही है। आज तिरंगा वंदे मातरम तिरंगा यात्रा शहीदों ने बलिदान दिया, हमें देश को आज़ादी दिलाई, याद करते हुए आज तिरंगे के सम्मान में कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, कन्नौज खातेगांव विधानसभा के सारे युवा एक जोश में आकर आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे और यहाँ से दिमावर से स्टार्ट होकर कन्नौज साई गार्डन में समापन होगा। जय हिंद, जय भारत। खबर गोटेगांव से है, गणेश उत्सव।